बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? तो जी आज मैं बना रही हूँ शलजम का अचार, क्योंकि सर्दियों में शलजम बहुत ही अच्छा आता है और सारी सब्जियाँ सर्दियों में बहुत अच्छी आती है ना, तो शलजम भी अभी जो है बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ देखिए, ये है मेरे पास 1 किलो शलजम है। तो 1 किलो का तो मैं नहीं बना रही अचार, मैं बनाऊँगी 1/2 किलो का। तो यहाँ मैं ऐसा करती हूँ कि ये 3 शलजम, ये आधे शलजम मैं इसमें से उठा के रख देती हूँ और ये 3 शलजम मैंने ले ली हैं। तो सबसे पहले इसको जो है हम छील के और काट लेते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने ये पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। बहुत ही मज़े का बनता है ये अचार और बहुत ही कम मसालों के साथ बनता है। तो ना तो इसमें तेल डलता है और ना बहुत ज़्यादा मसाले डलते हैं और बनता भी बहुत मज़े का है। यहाँ पर मैं छील लेती हूँ पहले ही सारे शलजम। और आप लोगों से एक बात भी करना चाह रही थी मैं, कि अपने तमाम सब्सक्राइबर का, उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही थी कि जो लोग मेरी जो रेसिपीज जो है ना, जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ, आप लोग मेरी रेसिपीज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ये शलजम का अचार मैं बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और बाकी अपने मैं देखने वालों से यही कहना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो भाई जब वीडियो देखते हैं तो एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें और वीडियो को मेरी लाइक भी कर लिया करें। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि जो मेरी वीडियोज़ तो देखते हैं, पूरी पूरी वीडियो भी देख लेते हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो भाई आप लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इसी तरह से जो है मैं आप लोगों को अपनी तमाम रेसिपीज़, मेरी जो रेसिपीज़ है ना, आप लोगों तक पहुँच जाएँ। चलें ये छील लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ, शलजम को तो मैंने छील लिया है और अब जो है यहाँ पर जो है ना मैं इसके ही स्लाइस काट लेती हूँ। अच्छा, हम शलजमों को ना तो बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला। अभी जैसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि बस इतना मोटा मोटा, जैसा होता है ना 1/4 इंच के करीब, ये इतने मोटे मोटे स्लाइस मैं काट लूँगी। ये देखें इतने मोटे मोटे जो है ना, ये इस तरह से मैं स्लाइस काट रही हूँ। और शेप आप लोगों की मर्जी है, चाहे ऐसे गोल गोल स्लाइस काट लें या लंबाई में जैसे फ्राइज होते हैं वैसे भी काट लेते हैं कुछ लोग, जिस तरह का भी काट लें। यहाँ देखें मैंने ये सारे शलजम काट लिए हैं। और ये कोशिश ये करें आप कि ये जो स्लाइस मैंने काटे हैं ना, जैसे तो इनकी थिकनेस तकरीबन ना बराबर ही रखें। जैसे कोई ज़्यादा मोटा कोई पतला होगा ना, तो फिर ये होगा कि वो जब हम इसको उबालेंगे ना अभी, तो कोई जो मोटा पीस होगा वो देर में वो गलेगा और जो पतला होगा वो ज़्यादा गल जाएगा। तो ज़रा इस बात का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पानी देखें, पानी में बॉयल आ गया है। अच्छा, शलजम को जो है मैंने काटने से पहले ही मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और छीलने के बाद जो है अब दोबारा नहीं धोया मैंने, ये ऐसे ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और पानी का हिसाब ऐसा है कि पानी जो है ना हमें इतना रखना है कि जो शलजम है ना हमारे, ये इसके अंदर सारे ना डूब जाएं। वैसे अंदाजे से ये मैंने इसमें लिया होगा कोई 1.25 लीटर के करीब जो है ना ये पानी है इसमें। और बस अब इसको हमने इसमें डाल दिया है और सिर्फ घड़ी देख के ना, टाइम घड़ी में टाइम देख के ना, सिर्फ इसको हम 4 से 5 मिनट तक उबालेंगे। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं उबालेंगे वरना बहुत ज़्यादा ही गल जाएंगे। अच्छा जी, देखें ये जो है ना पूरे पूरे 5 मिनट हो गए इसको उबलते हुए। और अब जो है ना मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। और अब क्या करेंगे हम, अभी पानी गर्म है, अगर मैंने इसको इसी में छोड़ दिया ना तो ये और ज़्यादा मतलब गल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको पानी में से निकाल रही हूँ शलजम को। हाँ देखें, मैंने शलजमों को पानी से निकाल लिया और अभी ना बहुत गर्म हो रहे हैं ये, और अभी जो है हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। 80% जो है ना, 80% जो है हमारे शलजम गल चुके हैं और जो 20% रह गए ना, तो जब हम इसमें मसाला लगाएंगे और जो इसको पानी में डालकर रखेंगे ना 1-2 दिन के लिए, तो फिर ये गल जाएंगे। तो अभी जो है इसको बाकी मसाले हम जब लगाएंगे, अभी इसको हमें ठंडा करना है बिल्कुल। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे ना, तो जब हम इसमें मसाले लगाएंगे और पानी भी इतनी देर में ना ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, इतना इंतज़ार हमें करना है कि ये शलजम भी ठंडा हो जाए और ये जो पानी है ना ये भी ठंडा हो जाए बिल्कुल। और जब तक जो है हम इसकी दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ है कुछ चीज़ें, यहाँ देखें लहसुन क्या है, मैंने ये 2 पोथी लहसुन लिया था और इसको मैंने छील के रख लिया है, ये 2 पोथी लहसुन है ये। और इसके अलावा इसमें जाएगी राई, तो ये 2 टेबल स्पून भर के जो है ना मैं इसमें राई ले रही हूँ। एक और, एक ये दो,
ये दो चीजें हमारी पीसने वाली है ना, तो ये मैं पीस लेती हूँ। जब तक राय भी पीस लेती हूँ मैं, थोड़ी मोटी मोटी दरदरी सी जो होती है ना वैसे हमें पीस के रखनी है। और ये लहसुन भी बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है लहसुन का, जैसे कुचला हुआ लहसुन होता ना इतना हमें इसको पीस के रखना है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे ये जब ठंडा हो जाएगा ना तब। हाँ तो जी यहाँ पर ये देखें 40-45 मिनट इसको हो गए, पानी बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है। और जब पानी मैंने बॉयल करके छोड़ा था ना, तो तकरीबन जैसे ही थोड़ा सा वो भाप उसकी निकली थी स्टीम, तो मैंने इसमें प्याले में डाल के ये जो है मैंने पंखा फुल स्पीड पे चला दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और अभी ठंड का मौसम भी है ना, तो ये जल्दी ही ठंडा हो गया। बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, पानी भी बिल्कुल ठंडा और ये शलजम भी जो है ना ये देखें ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अब जो है हम इसका ना एक मसाला तैयार कर लेते हैं। और ये जो है ना मैंने लहसुन भी पीस लिया और ये राई भी पीस लिए, तो थोड़ा सा मैं इसको पीछे करती हूँ। ये देखें 2 टेबल स्पून मैंने राई ली थी ना, तो ये देखें इस तरह से मैंने ये मोटी मोटी दरदरी से इसको पीस लिया है। और पीसने के बाद जो है ना ये ज़्यादा हो गई है, 2 टेबल स्पून से ज़्यादा हो गई है। साबुत ली थी 2 टेबल स्पून, 1, 2, 3, तो ये 3 टेबल स्पून मैंने पीसी हुई जो है ना 3 टेबल स्पून मैंने ले लिए ये। और है ना अभी थोड़ी सी बचा ली है, देखती हूँ फिर मैं बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी कम लगेगी तो मैं डाल लूँगी। और ये लहसुन तो मैं सारा इसमें डाल रही हूँ, तो ये 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। और ये 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल रही हूँ। ये पिसा हुआ गुड़ है 1 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं, ये तकरीबन पूरा 1 टेबल स्पून है। ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बस अब ये सारा मसाला जो है इसका ये तैयार हो गया, इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है ना ये मैं शलजम पे लगाऊंगी। अच्छा, ये सारा मसाला जो है ना, जो भी मैंने सारी चीज़ें डाली थी ये सारी मैंने इसमें मिक्स करनी है। और अब ये जो शलजम है ना इनके ऊपर हम इनको लगा देंगे। अच्छा, ये ना आप चाहें तो ये 2 रेसिपी इस तरह से बना सकते हैं। एक रेसिपी तो पानी वाले अचार की है और एक रेसिपी ये इसी तरह से जैसे ये मैं अभी लगा रही हूँ ना शलजम पे लगा रही हूँ सारा मसाला। तो मेरी अम्मी जो बनाती थी ना, मेरी अम्मी बनाती थी दरअसल ये अचार ना, और मैं इतना नहीं बनाती ये वाला अचार, बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन अम्मी हमारी बहुत मज़े का बनाती। और अम्मी हमारी क्या करती थी कि इसके अंदर जैसे मैंने गुड़ डाला है ना, वो गुड़ भी नहीं डालती थी और हल्दी भी नहीं डालती थी, सिर्फ 4 इसके अंदर चीज़ें होती थी, नमक, कुटी मिर्च, लहसुन और राई, बस ये 4 चीज़ों का इस्तेमाल वो करती थी। और इतना ज़बरदस्त बेहतरीन सा अचार वो बनता था ना, और सूखा अचार बनता था वो बिल्कुल। जैसे ये लगा दिया ना मैंने मसाला सारे सब पीस इस पे लगा दो इसको इस तरह से, और बस ऐसे ही रख दो इसको ना, छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, और वो अचार बन के तैयार हो जाता था। और इतना मज़े का लगता था दाल चावल हर चीज़ के साथ खाने में, बहुत मज़े का। तो खैर मैं तो अभी यहाँ पे बना रही हूँ पानी वाला अचार, तो इसलिए जो ये मैंने आप लोगों को दिखाया था लगा के, अगर आप चाहें सूखा अचार जैसे पानी वाला किसी को पसंद ना हो तो इस तरह से भी बना सकते हैं ना, इस सारे पीसीस पे लगा के उलट पुलट कर। और पानी वाला बना रही हूँ तो अब ये मैं क्या करूँगी कि ये जो सारा सामान है ना ये इसके अंदर ही डाल दूंगी मैं। मैं पहले भी इसके अंदर डाल सकती थी लेकिन वो मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए कि इस तरह से अगर सूखा बनाना है तो इस तरह से ही बन सकता है। तो ये सारा अब मैं इसमें डाल दूंगी और ज़ाया कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो प्याली में लगा हुआ है ना मसाला, इसी में से थोड़ा सा पानी डाल के और इसको भी मैं सारा मसाला इसमें ही निकालूंगी। तो यहाँ देखें ये जो है सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल ली हैं। और अभी ये मुकम्मल तो तैयार नहीं हुआ लेकिन इसके अंदर से अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और अभी बस 2-3 दिन लगेंगे इसको तैयार होने में। और ये जो हमने राई डाली है ना ये सारी इसके ऊपर आ जाएगी। तो बस करना इसका ये है कि इसको अब हमें डालना है एक कांच के जार में, कांच का कोई मर्तबान हो या कोई जार हो वो इसके अंदर डाल उसमें डालकर आप रखें। मेरे पास तो है नहीं, तो मैंने ये मेरे पास ऑयल जग था ना तो इस ये ले लिया है मैंने, ये भी कांच का है ना, और इसको अच्छी तरह से धो के और खुश कर लिया है मैंने इसे। तो अब इसके अंदर डाल देंगे हम इसको, जितना भी आ जाएगा वो इसमें मैं डाल दूंगी। तो यहाँ देखेंगे अचार मैंने इसमें जग के अंदर डाल लिया है, कांच का जाएगा ना मेरे पास, तो मेरे पास अभी मर्तबान नहीं था, कोई जार भी नहीं था कांच का, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाल लिया है। और ये भी एयरटाइट, और बाकी ये जो रह गया है ना मेरा, तो मेरे पास जो छोटी बोतल है ना कांच की वो मैं इसके अंदर डालकर इसको रख दूंगी। करना क्या है कि इसको बिल्कुल पैक नहीं करेंगे हम ना, इसके ऊपर या तो कोई कपड़ा बांध के रख देंगे, इसके अंदर थोड़ी सी हवा भी जाती रहे वरना ये ख़राब हो जाएगा इस तरह से ना। तो बस ये 2 दिन के लिए हम इसको रखेंगे और ये 2 दिन के बाद जो है ना बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही
जबरदस्त अचार बनता है ये, बहुत ही जायकेदार होता है और हाजमे के लिए तो बहुत ही अच्छा था। और जो दाल चावल हैं या आलू की तहरी है, और ख़ास तौर पे जो मटर पुलाव है ना, मटर पुलाव के साथ तो बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। तो यहाँ पर जो है 2 दिन हो गए हैं इसको, अचार को मैंने इसी तरह से जो है ना ये कपड़ा बांध कर रख दिया था और धूप में रखा था मैंने, 1-1 घंटे की धूप में ना दोनों दिन इसको रखा है यहाँ, क्योंकि हमारे घर में इतनी ज़्यादा धूप तो आती नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती है और वो भी धूप भी हमारी इधर से उधर भागती रहती है, तो इसको बार बार खिसकाना पड़ता है। तो ये देखें, मैंने बताया था ना कि राई ऊपर आ जाएगी, ये देखें इसकी लेयर पे ना सारी राई ये ऊपर आ गई है। तो ये देखें अचार की शक्ल, और थोड़ा सा अचार जो है मैंने अभी यहाँ प्याली में भी निकाला है इसको टेस्ट करने के लिए, ये मैंने प्याली में भी निकाल लिया है, अभी मैं टेस्ट करके देखती हूँ इसको। सबर तो होता ही नहीं है हमारे यहाँ किसी से भी ना, जब अचार डलता है ना बिल्कुल भी सबर नहीं होता है, खाना शुरू कर देते हैं। और देखें ये मैंने अचार निकाल लिया है प्याली में, और जो है दोपहर में हमारे यहाँ बने हैं आलू चावल, बिस्मा ने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार से, मैं इसको खाकर आपको टेस्ट करवाती हूँ। और ये वाला अचार भी मैंने निकाल लिया है, ये जो मैंने पहले आपको लोगों को इसकी वीडियो दी हुई है ना मिक्स अचार की, तो जो गर्मियों में मैंने बनाया था ये वो अचार है, और बस अब यही बचा है हमारे यहाँ ना, पूरा साल समझो ये चल गया, और अभी 2 महीने बाद इंशाल्लाह से फिर कैरियाँ आने लग जाएंगी, तो फिर ये अचार इंशाल्लाह मैं दोबारा बनाऊंगी। और इस अचार की भी शक्ल आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ मसाला ही बचा है, मिर्चें कैरियाँ सब खत्म हो गई, और ये देखें 2 लसोड़े भी बचे हुए हैं इसके अंदर ना, ये भी देख लें आप, तकरीबन अभी 2 महीने बाद इसको 1 साल हो जाएगा अचार को, और इसकी रंगत वगैरह आप लोग देख सकते हैं कैसी है, तो बहुत ही अच्छा ही अचार बनाता है। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी ना, वो मेरे चैनल पर जाकर इस अचार की रेसिपी भी देख सकते हैं। और ये वाला अचार मैं अभी आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बताती हूँ कि कैसा है। शलजम तो जो है गल चुके हैं, ये जो शलजम है ना ये तो गल चुके हैं, लेकिन जो है अभी मुझे ना इसमें थोड़ा सा नमक की कमी लग रही है, जो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाला था ना उसकी कमी लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा नमक मैं और डाल दूँगी, और थोड़ी सी अभी खटास भी कम है, अभी 2 ही दिन हुए ना अभी इसको दरअसल रखे हुए, अभी 2-3 दिन और रहेगा ना ये, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल जैसा होता है ना एकदम खट्टा खट्टा पानी इसका वो बन जाएगा। और मैं ऐसी कोई बिल्कुल जो सही बात है ना, जो असल बात है वो मैंने आप लोगों को बता दी है, कोई मैं तारीफ़ नहीं कर रही अपना अचार की कि बहुत मज़े का बना है, यूँ है यूँ है, जो कमी थी ना वो मैंने आप लोगों को बता दिए, रेसिपी बहुत अच्छी है, तो बनाइएगा ज़रूर इसको, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा। एक मरतबा फिर दोबारा से मैं आप लोगों को कह रही हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।